दोस्तों, दक्षिण तमिलनाडु के यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिससे कि पूरी यात्री खुशी से झूम जाएगी। हालांकि इसका यूज तो भारत के सभी जनता करेगी, लेकिन ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस इसी साल नवंबर में शुरू होने की संभावना है। चेन्नई से तिरुनेलवेली जाने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी की गाड़ी संख्या लॉक कर दी गई है, जो की 20631 है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबर निकल के आई है की दक्षिणी रेलवे को लगभग 5 रेक आवंटित किए गए हैं और जल्द ही इसकी सेवा शुरू कर दी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुनेलवेली और चेन्नई के बीच चलने वाली है, जो कि सितंबर से शुरू होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अभी कई सारे रूटों पर ट्रैक अपग्रेड का कार्य किया जा रहा है और प्रोजेक्ट के तहत छोटे मोटे मोड़ों को हटाया जा रहा है, जिससे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड और भी ज्यादा इनहेंस की जा सके। और तो और, तमिलनाडु चलने वाली चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे कि वंदे भारत एक्सप्रेस काफी तेज रफ्तार पकड़ सके। दक्षिण रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चेन्नई से तिरुनेलवेली चलने के लिए 7 घंटे तक का समय लगेगा और इस वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर वंदे भारत की सुविधा दी जाएगी। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। लेकिन क्या दोस्तों, सितंबर से नवंबर के बीच वंदे भारत के स्लीपर वर्जन देखने को मिल सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो वहीं बात करें चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, तो वो साप्ताहिक 6 दिन के लिए चलती है, जिसकी गाड़ी संख्या 20643 और 20644 के साथ है, जो कि कुल 5 घंटे 50 मिनट में 495 किलोमीटर की दूरी तय करती। और यह 500 किलोमीटर के कम की दूरी है और इसके लिए चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यूज की जाती है। तो इसका इनोग्रेशन अप्रैल 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया था। इसके अलावा चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही शुरू किया गया था। विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच इंटरसिटी ट्रेन यात्रा का समय लगभग 6 घंटा है, लेकिन यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल जाने की वजह से 20 मिनट कम समय लगता है। तो दोस्तों, दक्षिण तमिलनाडु की चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी ज्यादा लाभदायक होने वाली है, आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।